सुप्रभातम बच्चों, कर्णिका संस्कृत व्याकरण तथा रचना क्लास 8 धातु रूप प्रकरण। तो आज हम ग्रामर में धातु रूप प्रकरण पढ़ेंगे। जिन शब्दों से कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया क्या होती है? जिन शब्दों से हम किसी कार्य को करते हैं या उस कार्य को करने का बोध होता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। तो उसके मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, ये सभी हमारी क्रियाएं होती हैं। तो इनके जो मूल रूप होते हैं उसको हम धातु कहते हैं। भू, गम, स्था, हस आदि क्रियावाचक शब्दों को धातु कहा जाता है। हिंदी में तो हम कहते हैं लिखना, पढ़ना, बोलना, बैठना आदि, परंतु संस्कृत में भू, गम, स्था, हस ये सभी शब्दों को हम धातु कहते हैं। जिनमें प्रत्यय का प्रयोग होने से ही वाक्य को प्रयुक्त होता है। पर, स्मेद, पद, आत्मनेपद तथा उभय पद। संस्कृत के सभी धातुओं को 3 भागों में बांटा गया है, यानी संस्कृत में जो धातु रूप हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पर स्मेपद, दूसरा आत्मनेपदी धातु, तीसरा उभयपदी धातु। तो इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि इस स्तर पर छात्रों के लिए सिर्फ परस्पेपदी धातु के रूप दिए गए हैं। पुरुष, किसी भी क्रिया का प्रयोग हम 3 पुरुषों में 3 वचनों में करते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। स्मरण रखना चाहिए कि हम हिंदी के अन्य पुरुष कहते हैं, वही संस्कृत का प्रथम पुरुष है। देखिए, पुरुष 3 प्रकार के और वचन 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष होते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आप देखिए, जैसे शह या शाह, तो उसको हम एक वचन में कहते हैं वह। उसी तरीके से द्विवचन में हम बोलेंगे ताऊ ते, यानी वे दोनों। और बहुवचन में यानी बहुत सारों में हम बोलेंगे ते ताहा, यानी वे सब। उसी तरीके से मध्यम पुरुष जो होता है उसमें हम एक वचन में कहते हैं त्वम, यानी तुम। द्विवचन में कहते हैं युवाम, यानी तुम दोनों। बहुवचन में कहते हैं यूयम, यानी तुम सब। उत्तम पुरुष में देखिए, एक वचन के लिए अहम का प्रयोग किया जाता है। दो हो, जैसे 2 लड़कियां या 2 बालक हो, तो उसके लिए हम आवाम का प्रयोग करते हैं। और बहुवचन यानी बहुत सारे हो, तो वयम यानी हम सब का प्रयोग करते हैं। सभी धातुओं की रूपावली इन्हीं 3 पुरुषों में 3 वचनों में लिखी जाती है। पहला देखिए आप, परस्मैपद के प्रत्यय लकारों के अनुसार प्रत्ययों का स्वरूप, यानी लकार, लट लकार। लट लकार यानी वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है वर्तमान काल, उसके लिए प्रयोग किया गया है। जैसे ता है, ते है, ते हो, ता हो या ता हो। तो देखिए, इसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में ती, तह, अंति, प्रथम पुरुष सी, तह, थ, मध्यम पुरुष आ या मी, उत्तम पुरुष आ या वह, उत्तम पुरुष और आ या मह। उसी तरीके से लिंग लकार में देखिए, भूतकाल यानी पास्ट टेंस। तो इसमें आप देखिए था, थी, थे का प्रयोग किया जाता है। प्रथम पुरुष में अत, द्विवचन में अ यताम, बहुवचन में अ न, मध्यम पुरुष में अह यानी विसर्ग, फिर द्विवचन में तम, बहुवचन में त, उत्तम पुरुष में म, द्विवचन आव और बहुवचन में आम। लिंग लकार में धातु से पूर्व अ का आगमन होता है। और फिर देखिए लिट लकार। लिट लकार भविष्य काल, गा, गी, गे, गे, श्यति, श्यत, श्यंति, श्यशि, श्यत, श्यत, श्यामी, श्यावह, श्यामह,
ये कौन सा काल हो गया? भविष्य काल। फिर देखिए लोट लकार, आज्ञा देना, तो इसका देखिए तू ताम अंतु, प्रथम पुरुष अ तम त, मध्यम पुरुष आनी आव आम, उत्तम पुरुष। फिर विधिलिंग लकार, पांचवा कौन सा लगा रहे? विधिलिंग, सलाह देना या चाहिए के अर्थ में, निवेदन के रूप में भी विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तो इसके एत एताम एयुह, एह एतम एत, एयम एव एम, इसी प्रकार से इन पांचों धातु रूपों का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए इनका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं हम क्रिया के रूप में। गम, गम का मतलब है जाना, ये एक प्रकार की क्रिया हुई, तो हम लट लकार में कैसे लिखेंगे? लट लकार यानी वर्तमान काल, तो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छामः, इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए लंग लकार में भूतकाल, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छ अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छव अगच्छाम। भूतकाल में अ का आगमन होता है यानी अ लगता है इनके रूपों में। लिट लकार में देखिए भविष्यकाल में गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यत गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्याव गमिष्यामः। फिर लोट लकार में देखिए गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छामये, आज्ञार्थक काल है आज्ञा देने के लिए। विधिलिंग लकार चाहिए या संभावना के अर्थ में गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, गच्छेह गच्छतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेव गच्छेम, इस प्रकार से गम धातु का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए भू यानी होना, तो लट लकार में भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवत, भवामि भवाव भवामः। उसी तरीके से बच्चों लंग लकार में देखिए भूतकाल में अभवत अभवताम अभवन, अभव अभवम अभवत, अभवम अभवाव अभवाम। और लिट लकार में जो भविष्यकाल है भविष्यति भविष्यत भविष्यन्ति, यानी होगा उसके लिए प्रयोग हो रहा है, भविष्यसि भविष्यत भविष्यत, भविष्यामि भविष्याव भविष्यामः। उसी प्रकार से लोट लकार में देखिए आज्ञा का आज्ञा अर्थ में भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवामः। विधिलिंग लकार में भवेत भवेताम भवेयुः, भवेह भवेतम भवे, भव्यम भवेव भवेम, यानी हम कोई भी वाक्य बनाते हैं तो उनको इन धातु रूप के आधार पर लकार के आधार पर ही हम वाक्य का प्रयोग करते हैं। अगर वह जाता है तो हम वर्तमान काल में जाने को लिखेंगे गच्छति, भूतकाल में अगच्छत, और अगर भविष्य काल में लिखेंगे तो गमिष्यति, इसलिए इन धातु रूपों का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए पा यानी पिब धातु यानी पीना, तो लट लकार में वर्तमान काल में पिबति पिबतः पिबन्ति, पिबसि पिबतः पिबत, पिबामि पिबाव पिबाम, कि पानी पीना यानी वो पानी पी रहा है। लंग लकार में अपिबत अपिबताम अपिबन, अपिबह अपिबतम अपिबत, अपिबम अपिबाव अपिबाम। और लिट लकार में पाश्यति पाश्यत पाश्यन्ति, पाश्यसि पाश्यतः पाश्यत, पाश्यामि पाश्याव पाश्यामः। फिर लोट लकार आज्ञार्थक में पिबति पिबताम पिबन्तु, पिब पिबतम पिबत, पिबानि पिबाव पिबामः। विधिलिंग लकार में पिबेत पिबेताम पिबेयुः, पिबे पिबेतम पिबेत, पिबेयम पिबेव
पिबेम। इस प्रकार से इन धातु रूपों का प्रयोग किया जाता है।